बहुत अच्छे रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई आदमी को दुख पहुंचता है तो सोशल मीडिया पर लिखता है कोई पप्पू यादव को खबर कर दो, हम बच जाए। इससे बड़ी बात मैं और रंजीत रंजन जी जब किसी का पैसा या जब दिल्ली बम्बई में किसी को कोई तंग करता है और किसी की मदद के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है तो पप्पू यादव यहाँ उसको लोग पहुंचा देते हैं। मैं इतना ही ईद के दिन शुक्रगुजार करूंगा अल्लाह से, बस मुझे दुनिया के लिए मदद के लिए तुम बनाए रखना, मुझ पर इतनी कृपा करना और कोई कृपा मत करना। इसीलिए मानवर दिल्ली में कोई कहीं आइएगा आपको पता चलेगा दुनिया के हर रास्ते पप्पू यादव के दरवाजे पर खुलते हैं। पटना आइएगा दरवाजे पर खुलते हैं। कोई घटना घटती है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि पप्पू को तो बता दो। बेटी और माँ का बलात्कार हो रहा था गया में, बाप चीख चीख के कह रहा था कोई तो मेरे पप्पू को खबर करो ताकि मेरी बच्ची और मेरी बीवी बच जाए। इससे बड़ी चीज और यही बहुत बड़ी चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः एक बार मुबारकबाद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। मंच पर कई मुखिया जी, यहाँ के चौसा के कई प्रतिनिधि समिति, वो तो भी कल 11 बजे छात्र का है, जो छात्र लोग हैं कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति से न्याय मार्च निकलेगा 11 बजे, जो पढ़े लिखे छात्र हैं जरूर आइए, पुरैनी से बस भी जाएगी और एक विरोध होनी चाहिए। आप सबको हम कल के लिए भी आमंत्रित करते हैं और आपसे विदा लेने के पहले एक बात कह के जाते हैं, आप अपनी जिंदगी की चिंता करना छोड़ दें। मैं जब तक जिंदा हूं आपकी चिंता मुझे दे दीजिए, आप सिर्फ जीना शुरू करिए दूसरों के लिए, मैं आपके लिए जीना शुरू करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं।